पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत का पारा पूरी तरह से गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी, जहां हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बहाने प्रदेश की जनता के बीच जाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का हरियाणा में आने वाले दिनों में कई बड़े कार्यक्रम करने का प्लान है। इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की दो आरक्षित लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारी को लेकर घमासान का माहौल है, और लोकसभा की ये दो आरक्षित सीटें हैं सिरसा और अंबाला। अंबाला सीट जहां रतनलाल कटारिया का देहांत होने के बाद खाली पड़ी है, वहीं सिरसा लोकसभा सीट से फिलहाल बीजेपी की सुनीता दुग्गल सांसद है। लेकिन खबर है कि प्रदेश के कई दलित नेता इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, क्योंकि देश में मोदी लहर का हल्ला है। ऐसे में इस लहर का हिस्सा बनकर हर कोई नेता गंगा स्नान करना चाहता है। वैसे भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर खर्च कम होता है, लिहाजा कम शक्तिशाली उम्मीदवार भी अपना भाग्य इन दोनों सीटों पर आजमाना चाहते हैं। बात करें अंबाला सीट की, तो अंबाला सीट पर जहां दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया अपना दावा कर रही है, वही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव कुमारी शैलजा भी यहां से दोबारा अपना भाग्य आजमाना चाहती है। कुमारी शैलजा दोनों ही आरक्षित सीटों यानी सिरसा और अंबाला से दो दो बार पूर्व में सांसद रह चुकी है। ऐसे में कुमारी शैलजा इन दोनों सीट में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा करके राजनीति में खलबली पैदा कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ वो सिरसा और अंबाला की सीट पर भी एक्टिव है और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है और यहां से कई बार उनकी पार्टी के सांसद भी चुने जा चुके हैं। ऐसे में यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही काफी सोच समझकर उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। बीजेपी में सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधु, पूर्व एडीजीपी वी कामराज, वर्तमान में एडीजीपी श्रीकांत यादव और सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा सुशील इंदौरा, चरणजीत सिंह रोडी का भी मन इन दोनों ही सीटों पर ताल ठोकने का है। फिलहाल अब ये बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो अंबाला और सिरसा लोकसभा सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।